मेरी सिस्टर आ जाती है ना घर पे, भाई ऐसा माहौल हो जाता है एकदम मनोरंजन वाला। जितनी भी कोई भी बात को लेके घर में बैठे हो किसी टेंशन को लेके और छोटी सिस्टर आ जाए, पूरा का पूरा दिमाग का बहुत रिसर्च सब निकलवा के चली जाती है और हंसते हंसते पेट में दर्द होता है वो अलग। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, किसी भी बात पे उसको पॉइंट मार लो बहुत अच्छे से आता है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई कल वाला अगर वीडियो आपने देखा हो तो आपको पता ही चल गया होगा कल EMI भर चुकी है। थोड़ी सी खोपड़ी से जो बॉदरेशन थी, जो टेंशन थी, वो कब हुई है? ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक नई टेंशन मेरे पास है, गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो रहा है 23 तारीख को। 23 तारीख से पहले लगभग 7,7200 रुपये का इसका इंश्योरेंस है, उसकी ओर जुगाड़ कर लिए। मेरे लिए मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होती भाई। हाँ, नाम बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन ये पक्का रहता है कि कोई कोई मुसीबत आ ही जाएगी। दूसरा एक और है, इसकी फिटनेस भी इसी साल ख़त्म हो रही है, हालांकि मुझे अभी पता नहीं है कि फ़िटनेस कितने तारीख को ख़त्म हो रही है। सबसे पहली टेंशन तो बीमा की है, उसके बाद 17 तारीख को मुझे लाइट का बिल देना है। जैसे तैसे करके EMI भरी है, तो खर्चे ही खर्चे हैं इस महीने मेरे को। अगले महीने से शायद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, उसका खर्चा बढ़ जाएगा भाई। मुझे ही पता है मैं कितनी सर पे टेंशन ले कर ब्लॉग करता हूँ। जिन लोगों को अभी भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, थोड़ा सा ब्लॉग देना शुरू करो और थोड़ी सी मेरी परिस्थितियों को समझना शुरू करो और अपना सपोर्ट और प्यार देना शुरू करो। चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं और निकलते हैं। गाड़ी की साफ़ सफाई मैंने कर ली है, बस मथुरा जंक्शन, और धनाधन कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा कम जाए उतने। पैसों की ज़रूरत है भाई, मजाक नहीं है, वाकई में ज़रूरत है। चलिए निकलते हैं। शीशा रोज साफ करो, रोज गंदा हो जाए। अभी चमका है एकदम टनाटन। कपड़ा दे मत करे, कायदे करें फिर। अब पेपर कहाँ से ला मैं यहाँ? क्या की कॉपी तो भर गई होगी, एक आते की एक कॉपी रख लियो ना, एक पेज भरो। चमक गया ना भाई? अरे भाई पता नहीं कैसे सूर्यदेव तो बड़े मेहरबान है, जब से घर से निकल के आया हूँ एक बार भी धूप नहीं देखी है। गर्मी तो है पर उतनी नहीं है जितनी ओढ़नी पड़ रही थी, और दिन तो भाई पूरा का पूरा जलाले पे तुला हुआ था। आज धूप नहीं निकली है तो थोड़ी सी राहत है, बहुत ज़्यादा नहीं। पर एक चीज़ और है, आज धूप नहीं है तो काम भी नहीं है, मतलब सूरज देवता और काम दोनों ही ठंडे पड़ गए। आज सुबह में 7:30 बजे निकल आया था थोड़ा सा जल्दी, और भाई उसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। 2 दिन से अच्छा टाइम जा रहा था, संडे को तो घुमाने की सवारियाँ मिल गई थी, और कल भी 2-3 चक्कर लगातार अच्छे अच्छे लग गए थे। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। सुबह एक चक्कर कचहरी का लगाया था, उसके बाद में लगभग 2-2.5 घंटे खड़े होने के बाद अब जाके एक सवारी मिली मुझे नरौली गांव की, उन्हें ही छोड़ के जा रहा हूँ वापस। और भाई नरौली चौराहे के जो गड्ढे हो रखे हैं, मैंने वहाँ पे कई 2 वीडियो बना दिए, लेकिन भाई किसी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो गड्ढे अब और ज़्यादा भयंकर हो गए वहाँ पे। अभी तो जब मैं आ रहा था एक बाइक वाला गिर गया था उस पानी में, वो गटर का पानी आ रहा है यार, उसमें गिरना कितना बुरा लगता है। क्या करें भाई, गवर्नमेंट उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं लगा रही है।
चलो 11:30 हो गए, अभी आधा घंटा और है, लगभग 12 बजे तक तो रुकने की कोशिश करूँगा, उसके बाद देखी जाएगी। वैसे आज मौसम बड़ा मज़ा दे रहा है भाई, अभी तो मैं हाईवे पे हूँ, आपको जाते में वो गड्ढे दोबारा दिखाऊंगा, देखो क्या हालत हो रखी है। ये देखो ऐसा मौसम हो रखा है मज़ेदार भाई, गर्मी है पर उतनी नहीं है। क्या हालत हो रखी है यहाँ पे, एक ई रिक्शा रोजाना नियम से पलट रहा है और एक दो बाइक वाला रोजाना पानी में गिर रहा है, ऐसी कंडीशन कर रखी है यहाँ पे भाई। हालात बस से बदतर कर दिए हैं। थोड़ी सी भी चूक हो जाए गड्ढे में टायर जाते गाड़ी पलट जाती है। दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों से बोल रहा था कि भाई सुबह से आज धूप नहीं निकली है, थोड़ा सा मामला ठंडा हो गया है, और भाई उसे बोल के जैसे ही मैं मथुरा जंक्शन पे आया धूप निकल आई, और धूप निकलते ही भाई मेरे को सवारियां मिल गई वृंदावन की। अभी अभी सवारियां छोड़ी है, उस वृंदावन की सवारी को छोड़ने के चक्कर में लेट हो गया हूँ, अभी लगभग 1 बजा हुआ और भाई चिलचिला के धूप निकल आई है। मैं जा रहा हूँ घर के लिए, वैसे भी मेरी सिस्टर आई हुई है, उसका कॉल आया था, अभी घर पे आ गई है, अब किसी काम से आई है कि घूमने आई है तो मुझे नहीं पता, वो घर जाके पता चलेगा। चलो भाई घर पहुँचते हैं, हो गया जो काम धंधा होना था। भयंकर गर्मी है यार, सुबह से छांव हो रखी थी तो ठंडा मौसम था, धूप निकलते के साथ ही गर्मी हो गई। ये देखो कितनी तेज धूप निकली है, जी रही हमारी सिस्टर आई है आम लेके, आम लाई, आम तो खट्टे तो बेदा तो मिलेगी ना, खट्टे आम लाए, चेक तो कराई लाए, दशहरी है दशहरी भाई, आमों का सीजन शुरू हो गया हमारे यहाँ पे। अंजलि की मौसी के यहाँ तो बाग ही है पूरा आम उनको। भाई लोग मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, जब भी मेरी सिस्टर आ जाती है ना घर पे भाई ऐसा माहौल हो जाता है एकदम मनोरंजन वाला, जितनी भी कोई भी बात को लेके घर में बैठे हो किसी टेंशन को लेके और छोटी सिस्टर आ जाए पूरा का पूरा दिमाग का बॉदरेशन सब निकलवा के चली जाती है, और हंसते हंसते पेट में दर्द होता है वो अलग। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, किसी भी बात पे उसको पॉइंट मार लो बहुत अच्छे से आता है, तो जो भी बैठा हो आसपास उसकी हंसी रुकी नहीं सकती। आज का दोपहर का टाइम सिर्फ उससे बात करते ही निकल गया, अभी शाम के 6 बजे हुए, अभी थोड़ी देर पहले निकल के आया हूँ। सुबह के टाइम में वैसे तो कुछ खास हो नहीं रहा था, लेकिन दोपहर को लगभग 12 बजे के करीब में जब मैं सोच रहा था घर निकल जाता तभी वृंदावन की सवारी मिल गई, उस चक्कर की वजह से थोड़ा सा दिन अच्छा हो गया। ये भाई बुलेट लेके बार बार फटाके फोड़ता हुआ घूम रहा है यार, क्या करें यार, बुलेट वालों की ये आदत कभी नहीं जाएगी, यहाँ तक आवाज आ रही है इतनी तेज आवाज कर रखी है भाई ने। खैर दोपहर में जो चक्कर लग गया था वृंदावन वाल उसकी वजह से दिन संभल गया, अब शाम के टाइम में आया हूँ, देखता हूँ कुछ होगा तो बताऊंगा, तब तक गप्पे मारते हैं। वैसे ज्यादा दोस्त भी नहीं है मेरे, अब गर्मी की वजह से नहीं है या काम लेके गए ये मुझे पता नहीं, बात करके पता चलेगा, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। भोपाल में मोड़ अगली आज भाई पूरा का पूरा घर इकट्ठा हो रहा है, वैसे मैं गाड़ी चला के घर ही आ गया भाई वापस। शिवाजी था हीरो में तो बिल्कुल गंजो जे वो है कंचला में जंजला। तो भाई लोग आप लोगों को पता तो चल ही चुका है मैं घर पे आ चुका हूँ, रात के अभी 10:30 बजे हुए हैं, जब से आया हूँ तभी से बातें ही होने में लगी हुई है, क्योंकि हमारी बहन जी जिस दिन घर आ जाती हैं उस दिन बातें ही होती है भाई। सबसे पहले तो आज मैं बता रहा था आपको कि तुलसी का थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बात का पॉइंट मारने में बहुत अच्छी है भाई, तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। वैसे घर का माहौल दिखाऊंगा आपको,
ये देखो बातें करने के लिए लोग जमीन में पड़े हुए हैं ताकि बातें चलती रहे। तो ऐसा ही काम चलता रहता है मेरे घर में। फिलहाल भाई 10:30 हो चुके हैं, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, हम आपस में बात करने में लगे हुए हैं। आज का दिन ओवरऑल कहूँ एक वृंदावन वाला वो चक्कर लग गया उसकी वजह से थोड़ा सा संतुष्ट हूँ, वरना कुछ भी खास नहीं था। मंगल का दिन है, थोड़ा सा हल्का ही रह जाता है कई बार ज़्यादातर टाइम पे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।